नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़ और मैं हूं हीरामणि गौतम। और आज हम मौजूद है जनपद जौनपुर के पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से नज़दीक देवकली चौराहे पर। और आप यहां पे देख रहे होंगे कि यहां पे मंच का सजाया गया है और यहां पे कुछ पब्लिक भी उपस्थित है। तो आइए हम जानते हैं जो मंच का आयोजन किया गया, जो मंच उपस्थित है यहाँ पर, वो किसको लेकर के है और यहाँ की जनता जो यहाँ पर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही है वो किसको लेकर के कर रही है। तो यहाँ पर कुछ पब्लिक मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर किसके लिए उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद यादव। आप यहाँ पे किस लिए उपस्थित है? यहाँ पे ये जो मंच लगाया गया किसको लेकर के लगाया गया? मैं जो है समाजवादी पार्टी सदर विधानसभा का सेक्टर प्रभारी हूँ और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का आगमन हो रहा है, जिसमें हमारे भाई नेताजी हैं अजय विश्वकर्मा जी, इनके सौजन से सब कार्यक्रम हो रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हम लोग ग्रामीण जो है इस समय जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, महंगाई चरम पर है और आज का युवा जो है पूरी तरह से इस सरकार से त्रस्त हो चुका है। ये सरकार बदलने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अध्यक्ष जी का स्वागत आज हम लोग यहाँ करेंगे। क्या नाम है आपका? ऋषभ यादव, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग आज अपने महबूब नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत में खड़े हैं। जैसे कि हमारे बड़े भैया अजय विश्वकर्मा जी विधानसभा 366 पूर्व भावी प्रत्याशी, हम लोग आज इतना खुश हैं कि पूछिए मत, बहुत उत्साहित हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोग दीदार कर सकें। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पे इस समय 366 सदर विधानसभा से जो है भावी प्रत्याशी हमारे बीच अजय विश्वकर्मा मौजूद हैं। और आइए हम जानते हैं यह जो मंच का आयोजन किया गया है और ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है उनको लेकर के यह क्या कहना चाहेंगे। पहले तो अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय विश्वकर्मा है, जिला कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी जौनपुर। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का आगमन है। सेरे इस पूर्वांचल की धरती पर उनका पहला आगमन है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज यहाँ जो भीड़ होगी उस भीड़ से हम संदेश देने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने का एक संदेश जाएगा, जिससे आने वाले 2022 के चुनाव में उनको यह एहसास हो जाए कि उन्होंने नौजवानों के साथ किस तरह अत्याचार किया, किस तरह कोरोना काल में जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, किस तरह से आज बेरोजगारी हो गई है, किस तरह से लोग आज किसान धरने पे था और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई। और ये संदेश देने का काम हम भारतीय जनता पार्टी को करेंगे कि मरने के लिए छोड़ दिया, किस तरह से आज बेरोजगारी हो गई है, किस तरह से लोग आज किसान धरने पे था और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई। और ये संदेश देने का काम हम भारतीय जनता पार्टी को करेंगे कि 2022 में अगर आप नहीं माने तो उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत से आपको ख़त्म करने का काम करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मंच का आयोजन किया गया है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो उनके द्वारा कुछ चिन्हित स्थान है उनको लेकर के उनका ठहराव होगा, तो क्या उनका ठहराव यहाँ पर भी होगा? हमारे महबूब नेता ऐसे हैं कि अगर कोई चार लोग भी खड़े हो जाए तो उनके लिए ज़रूर खड़े हो जाते हैं, ये तो मंच है। हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे नेता हमारे साथ आएंगे और हमारे मंच पे दो बात कह के हमारे लोगों को संबोधित करके और इनका हौसला बढ़ाकर फिर वो आगे बढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हर पार्टी का अपना अपना विजय रथ जोरों शोरों से चल रहा है, तो आप मौजूद सरकार में जो बीजेपी की सरकार है उनके समर्थन में या उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे उनके विजय रथ यात्रा में और आपके विजय रथ यात्रा में क्या अंतर होगा? पहली बात तो उनकी विजय रथ यात्रा नहीं है, वो झूठी रथ यात्रा निकालते हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोदी जी आए हुए हैं कल से, जो चीज़ आज 5 सालों में वो नहीं किए थे वो आज कर रहे हैं। दलितों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, गंगा में स्नान करने जा रहे हैं तो पूरा रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, तो क्या देने का संदेश है? लोगों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। आप गंगा में नहाने से आप नौकरी दे देंगे लोगों को? लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है। आज अगर माननीय मोदी जी लोगों के जनता के बीच में आते और जो आज 59,000 बच्चे आज धरने पर बैठे हैं उनके बीच में जाते तो एक संदेश जाता कि वो देश के लिए काम करना चाहते हैं, परंतु ऐसा ना करके वो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए आज बनारस में आए हैं। और उसी संदेश को हम लोग माननीय अखिलेश यादव द्वारा
आज ये प्रूव करेंगे, ये साबित करेंगे कि नहीं आप झूठे हैं, आप मक्कार हैं, आप लोग हमेशा आज तक लोगों को बहकाने का काम किया, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम किए हैं। आज वो सारी बाधाओं को तोड़कर पूरी जनता इकट्ठा होकर माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का सम्मान करेगा। जैसा कि मौजूदा सरकार में इस समय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं और वो लगातार अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज को लेकर के, एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर के काफ़ी जनता इकट्ठा हुई और वहाँ पे उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनाया, तो आप उन संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल कॉलेज हमारे राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज को लेकर के, एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर के काफ़ी जनता इकट्ठा हुई और वहाँ पे उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनाया, तो आप उन संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल कॉलेज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, 60% काम उस पर पूरा हो चुका था, बजट भी उसका पास हो चुका था, लेकिन ये मौजूदा हालत में जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं माननीय गिरीश चंद्र यादव, ये 5 सालों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं करा पाए, और जबकि ये मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं और इनके घर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो आप मुझे बताइए, जिसका मंत्री जिसका विधायक 5 किलोमीटर की दूरी में मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा सकता है, वो आगे क्या करेगा? अगर ये मेडिकल कॉलेज बना होता तो मैं ये समझता हूँ कि कोरोना काल में कम से कम 2500 लोगों की जिंदगियाँ बचाई जा सकती थी। जो हमारे विधानसभा में मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की वजह से, दवाइयों की वजह से, वो शायद ना होती। इसलिए मैं यही कहूँगा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से नकारी और निकम्मी सरकार है, उनके विधायक भी पूरी तरह से अपने विधायकी के रूप में जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। प्रधान जो काम करता है उसका जाकर फीता काटते हैं, जिला पंचायत जो काम करता है उसका फीता काटते हैं, लेकिन अपने कामों का कभी फीता नहीं काटते। तो मैं यही कहूँगा कि योगी सरकार जो है वो झूठी अफवाह फैलाती है कि हमने बनवाया है, अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ, फिर भी उसका फीता काट दिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उसका भी काम लगभग 50% से ऊपर माननीय आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरा किया था, जमीन का अधिग्रहण माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, आज उस पर फीता काट के वो अपना कह रहे हैं। कहाँ से अपना होगा? लड़का हम पैदा करें, नाम कोई और रखेगा, ये कहीं पॉसिबल है? तो ये यही काम कर रहे हैं, दूसरे को काम के अपना काम बता रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कोरोना काल को लेकर के कहा कि जो है ऑक्सीजन की क्षति के कारण लोगों की मौतें हुई, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि ऑक्सीजन को लेकर के हमने भरपूर पूरी जो है पूर्ति की थी और गरीबों को लेकर के हम लगातार जो है अनाज वितरण कर रहे हैं निःशुल्क जो है, तो इन संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अनाज वितरण कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हमको एक चीज़ बताइए, अनाज किसके पैसे का वितरण कर रहे हैं? जनता का ही पैसा है और जनता के बीच में जा रहा है, लेकिन उसके संदर्भ में आपने क्या किया? उसके संदर्भ में आपने महंगाई बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, सरसों का दाम बढ़ा दिया, बच्चों की फीस बढ़ा दिया। बताइए, अगर आप 5 किलो राशन 50 रुपये का आता है, उससे ज़्यादा में नहीं आता है, लेकिन 150 रुपये झोले के साथ में उसको वितरण किया जा रहा है, क्या यह सही है? पूरी तरह से बीजेपी सरकार सिर्फ झूठ की नींव डाल रही है। अगर उसको देना है तो कुछ ऐसा करे कि जिससे लोगों का रोज़गार बढ़े, जिससे लोगों का व्यवसाय बढ़े, ताकि आने वाले समय में किसी को राशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, वो स्वयं अपने पैर पे खड़े होकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उस राशन का आज के डेट में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राशन से ही पेट नहीं भरेगा, आदमी को दवा करने के लिए पैसा चाहिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, कहीं आने जाने के लिए पैसा चाहिए, उसके पास पैसा ही नहीं है आज के डेट में। मैं आपको बता दूं, मेरे विधानसभा सदर 366 में 15,000 घर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वही जो राशन मोदी जी द्वारा दिया जा रहा है, योगी जी द्वारा, उसको बेचकर अपने बच्चों की दवाई कर रहे हैं, ये स्थितियाँ हैं। मौजूदा समय में आप एक भावी प्रत्याशी के रूप में उभर के नज़र आ रहे हैं पब्लिक के बीच में, तो अगर आप की सरकार आती है और आप वर्तमान आगामी चुनाव को लेकर के अगर आप विजयी होते हैं, तो आप उस संदर्भ में जनता को क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से क्या उपलब्धियां उनके लिए होंगी? हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह दिया है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में साइन करेंगे हम लोग, 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके बाद
1500 रुपये महिलाओं के खाते में जाएगा। और तमाम ऐसी योजनाएं सरकार बनने के बाद आएंगी जो जन कल्याणी होगी, जो ज़मीन पे होगी, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। तो आने वाले समय में मेरे नेता ने जो काम आज तक किया है उसका फीता सिर्फ योगी सरकार ने काटा है, और आने वाले समय में मेरे नेता इतना काम कर देंगे कि कभी भी बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आने का ज़रूरत नहीं करेगी, कभी भी नहीं आएगी। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक और मौजूद हैं, सच में उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो आज अखिलेश यादव जी जो आ रहे हैं उनको लेकर के वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और पहले तो मैं उनका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकुर यादव है। आज जैसा कि यहाँ पे आप सभी लोग अखिलेश यादव जी के आगमन को लेकर के उपस्थित हैं, तो उनके आगमन को लेकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग आज हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, हम नहीं हमारे साथी से बहुत लोग हैं, हम लोग इतने खुशी, कल से जब से सुने हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं और तहे दिल मन से धन से उनका स्वागत करेंगे, और हम लोग से जितना हो सकेगा आने वाले समय चुनाव में हम लोग उनको विजयी बनाएंगे, हम लोग यही सोच है। जैसा कि आपने यहाँ की जनता की राय को देखा अभी, और आप हमारे साथ लगातार बने रहें, और आपको हम पल पल की हर खबर देते रहेंगे। आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब